है, फर्स्ट टाइम राइट अनुज। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताऊंगा आपकी एनडीए की तैयारी के बारे में, राइट। एक एनडीए की तैयारी आखिरकार आपको कैसे करनी है, जिसमें आपके लिए जो गैट होता है जीएटी, तो गैट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, ये टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे आपके लिए जो गैट होता है, पहले इसको आप तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। गैट का जो पेपर होता है एक्चुअली में, ये आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर, ठीक है। ये कैसा आपका पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कभी भी अगर पूरी प्रिपरेशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे तैयारी में थोड़ी सी भी अगर ढील ढाल हो रही है, ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो है इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यही पहला वीडियो आपको बताता है कि क्या करना है। समझ रहे हैं, ये पहला वीडियो ही आपको सब कुछ बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं आपके एनडीए में, अलग अलग आपके सब्जेक्ट से। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कवर होता है आपका, वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे कवर क्या होता है आपके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मैक्सिमम कवरेज वाले आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके लिए ऑन एन एवरेज में कहो तो 15 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल तक आपके आते हैं, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए 15 से 20, 30, 30 क्वेश्चन तक मान के चलिए, 25 तक मान लीजिए, तो यहाँ पे आपके सवाल आते हैं आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोग अधिकतर यहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो समस्या भी नहीं होती ज्यादा, ठीक है। आपको केवल यहाँ पे ब्रशअप्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग भी आपके यहाँ पे इंटर में होते हैं, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जेईई की तैयारी की होती है, राइट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद जो है यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक आता है वो आता है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री और हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी। अब देखिए समस्या ये होती है आपके लिए कि आपने इससे पहले कभी भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं, और पहली बार आपके सामने ये आठ साइड के सब्जेक्ट्स रख दिए गए, समझ रहे हैं। और ये इसमें से सवाल भी आपके खूब, मतलब कह सकते हैं एनसीईआरटी लेवल का सबसे परम स्तर पूछ देता है यूपीएससी। अच्छा कराता कौन है ये पेपर, ये आपका यहाँ पे जो पेपर आता है ये कराता है आपके लिए यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी ये आपका पेपर कराता है। और अगर इस पेपर के बारे में बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए, तो इस पेपर में आपके लिए यहाँ पे हिस्ट्री और इसके अलावा ज्योग्राफी का आपका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आर्ट साइड के लिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको जितने भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए उसी के बेसिस पे तैयारी करनी है, ज्यादा आपको यहाँ पे बाहर से क्वेश्चंस को नहीं लेना है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिर आता है यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर की अगर बात करें तो कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन मानिएगा, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन भी पूछा था, यहाँ पे जीके भी आ जाएगा आपके लिए, जिसमें आपके लिए जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गया और जीके हो गया, ये जो दो ऐसे टॉपिक्स हैं आपके लिए जिसको अगर आपको यहाँ पे डेली देखना पड़ेगा। क्यों डेली देखना पड़ेगा ये जान लो, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी, राइट। आप एक यूपीएससी का पेपर देने जा, तो यूपीएससी हमेशा कभी भी आपका किसी भी स्टैंडर्ड से एक थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे ढंग से आपका सवाल बनाता, राइट। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए लास्ट हो जाएगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है ये मैं देखूंगा, यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपके यहाँ पे सारा आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए डेली आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी, वो देख सकते हैं, मंथली होगी तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जीके के लिए, जीके के लिए अब आपका देखिए रेगुलर बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, धीरे से ले रहे हैं उसको, तो आप वहां से जीके ले सकते हैं, ठीक है। डैम्स क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एमसीक्यूज होंगे कंप्लीट, वो मैं आपको करा दूं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स के बारे में। अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आखिरकार आपको तैयारी कैसे करनी है, इस पे थोड़ा सा यहाँ पे बस मैं आपको 2 मिनट की चर्चा करूंगा। देखिए तैयारी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपको दो जगह ये कमान संभालनी है, दो जगह। नंबर वन, एक आपके लिए मेंटल स्टेट होता है, एक आपके लिए यहाँ पर जो है आपका शेड्यूल होता है। एक मेंटल स्टेट, एक आपका शेड्यूल, मतलब एक खुद आप, एक तो आपको अपने आप को संभालना है हमेशा तैयारी के समय पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मेंटल स्टेट होती है, जिसकी स्ट्रांग होती है उसका पेपर जल्दी निकलता है, जिसका वीक होता है, वीक का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि आपके लिए क्या जरूरी है, राइट, यहाँ पे आपके लिए क्या जरूरी है, क्या आपके लिए यहाँ पर एक आइसक्रीम जरूरी है, ठीक है, या फिर आपके लिए यहाँ पर एक केक जरूरी है, ठीक है, तो आप क्या बताओ जरा बताना। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे एक आपको आइसक्रीम जरूरी है या केक जरूरी है, तो क्या बताओगे, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्विकली आंसर करना, क्योंकि इसी आंसर में आपके लिए जो है वो छिपे हुए हैं, जो आपको यहाँ पे जानना है। क्या चुनना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, फटाफट
जो जो अच्छा लगे, इसमें कोई ऐसा ट्रिकी सवाल नहीं पूछ दिया मैंने, जो आपको अच्छा लगे आप वो बताइएगा, केक अच्छा लगे केक बताइएगा, आइसक्रीम अच्छी लगे तो आइसक्रीम बताइएगा। हाँ जी, लेकिन फटाफट ज़रा जवाब जरूर देना जल्दी से, क्या अच्छा लगेगा अभी आपको। तो अधिकतर लोग, आप लोगों में से या तो आइसक्रीम को चूज करोगे लेकिन, या फिर केक को चूज करोगे, समझना इस चीज को, ठीक है ये तो। और वहीं अगर मैं पूछ दूं आपसे तो बाकी लोग भी बेटा यहाँ पर रिप्लाई करते रहना, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके लिए अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, जरा बताओ पिज्जा में अब तीन चीजों में से क्या चूज करोगे, समझना। अब तीन चीजों में क्या आप चूज करोगे, तो हो सकता है कुछ लोग अब पिज्जा की तरफ भी चले जाएंगे, कुछ लोग केक, और कुछ लोग यहाँ पे आपका आइसक्रीम ले लेंगे, समझना इस चीज को। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पर जो है अगर एक चीज और बढ़ा दूं, कुछ और बढ़ा दूं, ठीक है, तो फिर से आपकी राय यहाँ पे जरूर चेंज होगी, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको ये जो चीज समझ में आ गई कि आखिरकार एक ही चीज यहाँ पे आपको पसंद करनी है, अपनी राय को यहाँ पे चेंज नहीं करना है बात, ठीक। यही सेम कंडीशन होती है आपकी एग्जाम, जैसे आपके लिए एक जेई का एग्जाम है, एक आपके लिए एनडीए का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो है कोई और रेगुलर ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम मान लो, तो यही चीजें सेम इसमें आपकी वैलिड होती, समझ में बात। तो कभी भी अपनी जो आपकी यहाँ पे पसंद है उसको कभी भी चेंज ना कीजिए। एक केक पसंद है केक खाइए, पिज्जा पसंद हो पिज्जा खाइए, ये नहीं कि किसी ने अगर तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे डोसा दे दिया तो आप डोसा भी खाने बैठ गए ना, आप कह दो भैया हमें सिर्फ केक खाना है, माने सिर्फ एनडीए की तैयारी कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो आपकी आपकी प्रायोरिटी है, डिसाइड योर प्रायोरिटी, नोट कर लीजिए। पहली चीज क्या है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, दूसरा अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपने अभी तक यहाँ पे कभी अपनी प्रायोरिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, खुद को इंपॉर्टेंस दो, अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस। दो चीजें, एक तो स्ट्रांग बनना है, दूसरा आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है अपनी चीजों को, ठीक। तीसरी चीज शेड्यूल, शेड्यूल यहाँ पे आपका स्पेसिफिक होना चाहिए लेकिन कभी भी बट नो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक। एक कॉम्प्लेक्सिटी का आपको उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ जाए। जैसे आप लोगों में से कई लोग हैं, जैसे अभी टाइम कितना हो रहा, हाँ 10:56, ठीक। तो यहाँ पे 10:56 से लेकर के मैं जो है 10:28 तक पढ़ूंगा, समझना। फिर मैं 10:28 से लेकर के यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, और फिर 10:30 से लेकर के 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स, ये मत करो, ये कभी नहीं कर सकते यार, इसको फॉलो करने यार सोचना ही नहीं कभी। आपको जो यहाँ पे फॉलो करना है वो है आपके लिए एक सिंपल सिंपल, यहाँ पे आपका जो है जो आपका एक शेड्यूल हो सकता है, जैसे आज मैं या फिर रेगुलर मैं मैथ लगाऊंगा, और मैथ के साथ यहाँ पे आपका एक या दो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा जीए भी पढ़ू, ये सिंपल था, और इसको आप कर भी ले जाओगे। आपने 1-2 घंटा मैथ लगा ली, फिर जब मन नहीं लगा तो इंग्लिश पकड़ ली, फिर जीए पकड़ ली, ये है सिंपल आपका शेड्यूल, ठीक। मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पर अगर रेगुलर जब आप यही काम करने लग जाओ, क्या आपका टाइम अपने आप फिक्स होगा कि नहीं होगा, समझना। पहले से टाइम फिक्स करके फिर उस पर चलना आपके लिए ज्यादा कठिन है, बजाय सिर्फ एक सिंपल को फॉलो करते हुए फिर आपका अपने आप ही टाइम जो है इतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, खाना खाना सबको पता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है आपका, लेकिन जब भूख लगेगी आपको खुद समझ में आ जाएगा अभी खाना खाना है। यही होता है एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स शेड्यूल में। अब लिख दिया जाए इतने टाइम ही खाना खाना खा पाओगे, बोलो हाँ के ना, पहले इतना बताओ। अगर आपके लिए लिख दिया जाए कि 2 बजे खाना खाना है, ठीक है, तो हो सकता है आपको 2 बजे से पहले भूख लगे, हो सकता है 2 बजे के बाद लगे, बोलो क्लियर हुआ सभी को, यस नो कंफर्म करें सब लोग, यस नो बताओ, ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए हमेशा याद रखना है कि एक सिंपल सा शेड्यूल, अपनी प्रायोरिटी को हमेशा देना है, और खुद को हमेशा स्ट्रांग रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना, समझे वैभव अनुज। इसके अलावा यहाँ पे राघव वगैरह बेटा समझ में आया, बबीता, ठीक है ऋचा। तो यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज को समझो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। इसका एक और छोटा सा उदाहरण चलते जल्दी आपको बता देते हैं। आप में से कई लोग जो हैं आपका ये आपका अगर कहा जाए तो कुछ मैथ में स्ट्रांग होते हैं, कुछ आपके कुछ की जीए बहुत अच्छी होगी, तो अपनी प्रायोरिटी समझो कि आपको कहाँ पे काम शुरू करना है। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे करो, मैथ वीक है तो मैथ पे करो, राइट। ये नहीं कि अंधी चाल चलना है कि सर ने कह दिया कि मैथ पे फोकस करना है तो मैथ पे करके चलना है ना। एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स का होता है, एग्जाम में आपको ओवरऑल परफॉर्म करना है। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैथ में पास तो सब में पास, एग्जाम में ये भी नहीं कहेगा कि जीएम पास तो सब में, वो क्या कहेगा सब में से कि आप सबसे अच्छे बने कि नहीं बने,
समझिएगा, ठीक है। चलिए और कोई डाउट हो एनडीए से जुड़ा हुआ तो अभी पूछ लीजिए, वरना हम लोग आज का आपका टॉपिक शुरू कर। ये था आपके लिए कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें जो मैंने जो आपको बतानी थी। इससे जुड़ा हुआ जो भी डाउट हो किताबों को लेकर के या फिर अभी गाइडेंस को लेकर के, ठीक है, जो भी आपका डाउट हो वो जरूर पूछिए। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, आपने पाथफाइंडर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बढ़िया। अब उसको रिवाइज करो, क्योंकि याद रखो आज तक जिसने वो किताबें लिखी हैं वो भी वहां पे उनको देखता है दोबारा, तो आपने तो एक बार ही पढ़ा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और कोई डाउट और कोई समस्या जो हो वो अभी आप बता सकते हो, ठीक है। नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे आपके लिए आज का पूरा टॉपिक, ठीक। अच्छा, एक चीज और है अब आपके लिए यहाँ पर। अब आपको मैं आपको कुछ और बेसिक बात बता देता हूँ एप्लीकेशन से जुड़ी। यहाँ पे एप्लीकेशन में आपके लिए दो चीजें रहेंगी। नंबर वन, एक तो आपको हमेशा जो माइक कोर्स होगा उसको चेक करना है, क्योंकि तो वीडियो और पीडीएफ आपको यहीं से अवेलेबल, ठीक है, माइक कोर्स। दूसरी चीज है यहाँ पे आपके लिए डाउट के लिए। अगर डाउट होता है तो दो तरीके हैं, या तो क्लास में पूछ लो, या फिर यहाँ पर आपको एक डाउट सेशन भी दिया गया, सेक्शन दिया गया है, उस डाउट सेक्शन में अपना सवाल डाल दो, ठीक है। अगर कोई और स्टूडेंट होगा वो आपका सॉल्व कर देगा, अगर यहाँ पे किसी से नहीं होगा वो आपका सॉल्व, फिर यहाँ पे जब डाउट सेशन लगेगा तो फैकल्टी उसको आपका सॉल्व कर देगी, ठीक। तो एक तो डाउट सेशन हो गया, दूसरा हो गया आपके लिए यहाँ पर वीडियो और पीडीएफ। तीसरी चीज है यहाँ पे आपके लिए रेटिंग से जुड़ी हुई। रेटिंग हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपको क्लास जो है वो मतलब एवरेज लगी, ठीक ठाक लगी, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत जो है काम चलता हुआ हमने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेटिंग रहेगी आपकी ये हमेशा रहनी चाहिए आपकी 4 स्टार मिनिमम, कम से कम 4 स्टार। और अगर अच्छी लगे, मतलब आपको लगे कि बहुत अच्छी है, तो आप लोग यहाँ पे 5 स्टार कर, ठीक है। अब इसमें जो डाउट हो वो पूछ लो, एप्लीकेशन, डाउट सेशन या फिर रेटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आपका, जो चीज ना समझ में आ रही हो कि सर अभी भी सर ये चीज क्लियर नहीं है, वो अभी आप पूछ लो। सर बातों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अभी आपको रिटन तो लिखाना नहीं है, अभी अभी तो आपको वहां पे वो करना है ना, क्या नाम है, अभी तो एमसीक्यू करना है, तो इसमें अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और अगर कभी भी आपको देखो, कभी भी अगर आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है, सबसे पहले उसको अच्छे ढंग से पढ़ो। एक चीज याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी चीज को क्या कब एक्सप्लेन कर पाते हो बहुत अच्छे से, जब आपने इतना पढ़ा होगा तब आप उसको अच्छे से इतना ही एक्सप्लेन कर पाओ, समझो, कितना पढ़ना पड़ा, इतना पढ़ना पड़ा, तब आप इतना एक्सप्लेन कर पाओगे और इतना याद रह पाएगा। तो इसलिए जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे बार बार। और कोई डाउट, अनुज का डाउट क्लियर हो गया, और कोई यहाँ पे समस्या किसी को वो पूछ लो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके डाउट्स और यहाँ पे आपके जो है एप्लीकेशन और फाइल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, ठीक। तीसरी चीज यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगी, अब आपका यहाँ पे ग्रुप बन गया होगा, उस ग्रुप में आप हमेशा अपडेट होते रहिएगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप हो, अब आपने यहाँ पे तलवार निकाल ली है अपने लिए, और अब यहाँ पे आपका युद्ध का ऐलान किया जा चुका, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूं कि आपके लिए इकोनॉमिक्स, आप, हम लोग यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स जो है आपका आज इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो समझिएगा कि आपके लिए जो एक इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यहाँ पे एनडीए में कई सारे सवाल हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, और वो हमेशा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे होते हैं। इसके आधार पे होते हैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो कुछ यहाँ पे आपके टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से यहाँ पे शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे अगर मैं कभी भी आपसे इकोनॉमिक्स में अगर आपसे सवाल आता है तो एक मैं आपको सवाल बताता हूँ एनपीए का, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार एनपीए क्या है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको और भी कई सारी चीजें पता चलेंगी, एनपीए पहले बता देते हैं आपको, यहां से शुरू किया। एनपीए का मतलब होता है आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म इसका? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आपके एनडीएम इस तरीके के सवाल आते हैं, नो डाउट। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अपने किसी एक दोस्त का नाम बताओ जो आपसे उधार लेता हो या आपसे पैसा मांगता रहता है हमेशा, कोई भी एक जो आपका फ्रेंड हो, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर बात करें, अच्छा आदित्य, चलो ठीक है भैया, यहाँ पे एक दोस्त है आदित्य, किसके हैं यहाँ पे, वैभव के, तो वो उधार बहुत मांगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैभव है, समझना, ठीक है, और ये है आदित्य। अब यहाँ पे अगर आदित्य, वैभव ने आदित्य को दिए 100 रुपए, कितने दिए 100 रुपए, ठीक, और आदित्य ने कहा कि भाई मैं जो है आपको 1 महीने के बाद लौटा दू। आदित्य ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम रखो, अगर जरूरत हो तो यहाँ पे मुझे 1 महीने के बाद लौटा देना। तो यहाँ पे दोस्तों जब आदित्य ने उसको यहाँ पे अगर आपका 1 महीने के बाद उसको लौटाया तब तो वो आपका उधार खत्म हो गया, लेकिन अगर नहीं लौटाया यहाँ पे आपका दोस्तों 3 महीने तक भी, सोचो 3 महीने हो गए, वो बैठा है आदित्य चुपचाप, ठीक है, कि नहीं देना तो नहीं देंगे वैभव को, ठीक है क्या कर लेगा ये वो। 3 महीने के बाद वैभव जो है सीधे सीधे कह देंगे कि यार मेरा पैसा लग रहा है डूब जाए। क्या कहेगा वो यहाँ पे वैभव, क्या कहेंगे कि मेरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो अगर वैभव ने ये कह दिया कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो प्यारे साथियों इसी को हम लोग यहाँ पे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते, इसके नाम जानते हैं इसको हम लोग यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते। तो ये है आपके लिए एक शब्द एनपीए जो लगातार पूछा जाता है। तो एनपीए का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो डूब गया, राइट, यहाँ पे जो आपका पैसा है वो क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में एनडीए के यहाँ पे बच्चों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे कुछ ऐसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आप चलो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके लिए टर्म लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए एक टर्म आता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो एक टर्म आता है आपके लिए इकोनॉमिक्स, राइट, और एक आता है आपके लिए टर्म इकोनॉमी, समझिएगा, एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स, एक आता है इकोनॉमी, एक है आपके लिए अर्थशास्त्र और एक है आपके लिए अर्थव्यवस्था। एक क्या है आपके लिए? अर्थव्यवस्था, ठीक, दो टर्म आते हैं। लेकिन जरा मुझे कोई यहाँ पे बता पाएगा कि आखिरकार इन दोनों में से अगर बात करें आपसे तो ये दोनों आपके सेम है ऑप्शन नंबर वन या डिफरेंट है यानी कि अलग अलग, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चुनना चाहें, ये सेम है या अलग अलग, फटाफट बताइएगा। इनमें से दोस्तों अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए सेम हो जाएंगे या फिर आपके लिए जो है डिफरेंट हो जाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है, कोई की बताइएगा सेम है कि डिफरेंट है, अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपसे सवाल भी यही पूछा जाता है कि आपके लिए जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, समझिएगा, ये अर्थशास्त्र जो है प्यारे साथियों यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये सीधा सा एक यहाँ पे चीज कहता है कि जो किताबों में लिखा जो बुकिश लैंग्वेज है उस बुकिश लैंग्वेज को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। अब फिर जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि धरती गोल है तो ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी ये कहती है कि यहां पर आपने जो है अगर पूरी धरती का चक्कर मार लिया और फिर से अगर आप उसी पॉइंट पे घूम के आ गए तो जब आपने उसका प्रैक्टिकल करके देखा तो उस चीज का जो एप्लीकेशन होता है, जो अर्थशास्त्र का जो एप्लीकेशन होता है रियल वर्ल्ड में, वो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है आपके लिए, वो आपकी इकोनॉमी, समझिएगा। यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके लिए जैसे हाँ जैसे आपने यहाँ पे एक दिन जो है बना लिया अपने लिए शेड्यूल, ठीक है, तो शेड्यूल जो आपने अपने लिए बनाया ये आपके लिए हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर यहाँ पे जब आपने शेड्यूल का यहाँ पे अगर बात करें शेड्यूल से अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो ये है इकोनॉमी, क्योंकि शेड्यूल हर कोई बना सकता है, लेकिन आपके यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए जो अर्थव्यवस्था है जो आपकी प्रैक्टिकलिटी चीज है ये हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए दो शब्द हैं, एक है इकोनॉमिक्स दूसरा है इकोनॉमी, इन दोनों में ही बड़ा फर्क है आपकी,
ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे आपसे यहाँ पे वो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो दो शेड्यूल वर्ड हो गए, इन्हीं को भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए इकोनॉमी से जो शब्द आते हैं उनको जरा नोट कीजिएगा, इकोनॉमी के फादर यानी कि अर्थशास्त्र के जनक, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा आपके लिए, अर्थशास्त्र के जनक। तो प्यारे साथियों अगर बात करें यहाँ पे आपसे अर्थशास्त्र के जनक के बारे में, तो समझिएगा अर्थशास्त्र के दोस्तों कई सारे फादर हुए आपके एग्जाम में और वो पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो पहला हो जाएगा आपके लिए फादर ऑफ इकोनॉमी या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, समझिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वो नाम हो जाएगा आपके लिए एडम स्मिथ, वो नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा आपके लिए एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को यहाँ पे क्यों कहा गया था इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे आपके लिए दूसरे हो जाएंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नोट कर लीजिएगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो ये होगा यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो अगर मैं दो बात करूं इन दोनों के बारे में तो मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो को हम लोग कहते हैं आपका यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र और माइक्रो को कहते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं यहाँ पे आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में तो नोट कीजिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यहाँ पे आपके अर्थ यहाँ पे दोनों को कौन हो जाएंगे तो एक ही व्यक्ति, इनका नाम हो जाएगा आपके लिए जॉन कीन्स, नोट कर लीजिए। जॉन कीन्स जो है दोस्तों ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ ना केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो अब मेरा पहला सवाल कि जनक का मतलब क्या होता है। एक फादर अगर मैंने कहा आपसे तो एक फादर यानी कि जनक का मतलब होता क्या है, हाँ क्या बताएंगे, एक फादर यानी कि जनक का मतलब क्या होता है, क्यों आखिरकार मैं फादर कह रहा हूं बार बार, ये फादर वो फादर, सोचो देखो एक एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो एक जनक का यहाँ पे मतलब क्या है आपके अनुसार, क्या कहना चाहेंगे। तो नोट कीजिएगा आपके लिए जो यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लिए यहाँ पे जॉन कीन्स, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए मैक्रो के हो जाएंगे आपके लिए वो भी जॉन कीन्स हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और फादर है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सिस्टम यानी भारतीय योजना के जनक, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इंडियन प्लानिंग हो जाएंगे आपके एम विश्वेश्वरैया, नाम नोट कीजिएगा एम विश्वेश्वरैया। तो ये जो एम विश्वेश्वरैया है इनके द्वारा एक एक्चुअली में किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था द प्लानिंग इन इंडिया, किताब का नाम क्या था, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस किताब को यहाँ पे दोस्तों वजह से यहाँ पे इनको जो है फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो योजनाएं बनाई जाती उन योजनाओं के बारे में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही बताया गया, इसके द्वारा बताया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही यहाँ पे आपके लिए बताया गया, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पे आपके लिए हो गए एम विश्वेश्वरैया। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एक और आपके लिए जनक आ जाएंगे, नोट कीजिएगा एक और यहाँ पे आपके जो है फादर आएंगे, फादर का जरा नाम नोट कीजिएगा यहाँ पे उनका, यहाँ पे अगर बात करें आपसे बेटा हाँ तो हाँ तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे तो आपके लिए एक और जनक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को खोलता है, ओपन करता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग आपका फादर कहते हैं, जनक कहते हैं। मतलब सबसे पहली बार आखिरकार किसने अर्थव्यवस्था को एक सुधार दिया, इसने जो है बिल्कुल बदल दिया, राइट। तो यहां पे आपके लिए जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाएंगे उनका नाम जरा नोट कीजिएगा, यहां पे उनका नाम हो जाएगा आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है दोस्तों ये आपके फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहे गए, ठीक
ठीक है, कितने सारे हो गए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो मैक्रो हो गया, इंडियन प्लानिंग हो गया, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया। इसी तरह से एक और फादर है आपके लिए, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अब आप कहेंगे सर ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो, राइट? तो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे ग्राफ देखा होगा, ग्राफ के अलावा यहाँ पे कर्व देखा होगा, ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ होता है, ये कर्व होता है, ये सब इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये मतलब आपने कुछ नंबर लिए और उन नंबर को अरेंज कर दिया छोटे बड़े में, और फिर उसको कोई ग्राफ बना दिया, कोई टेबल बना दी। टेबल सबने देखी है ना कुछ, ठीक है? तो ये टेबल और ग्राफ होती है, उसी को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। अब इसके लिए कौन थे आखिरकार यहाँ पे आपके भारतीय जनक, तो नोट कीजिएगा उनका नाम, उनका नाम हो जाएगा आपके लिए पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस, ठीक है? तो ये होगा यहाँ पे आपके सारे के सारे फादर, ठीक है? टेक योर 10 सेकंड्स, एक बार इनको देख के रिवाइज कर लीजिए, फिर यहीं से आपसे एक सवाल पूछा जाए। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गए आपके, एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो मैक्रो कौन हो गए, जॉन कीन्स। फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, एम विश्वेश्वरैया। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पीवी नरसिम्हा राव। और लास्ट में हो गए आपके फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, पीसी महालानोबिस। देखिए यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए सवाल आ जाए कि हु इज अ फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है, इंडियन प्लानिंग के यहाँ पे आपके जनक कौन है, ये सवाल आ जाए। और अभी अभी पढ़ा आपने, आपने केवल अभी थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है? ऑप्शन हो गए यहाँ पे केवल दो, एक हो गए आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव, पहले कौन हो गए, पीवी नरसिम्हा राव, और दूसरे यहाँ पे हो जाएंगे आपके एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। तो क्या जवाब देंगे आप यहाँ पे, राइट? ऑप्शन नंबर वन। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर होगा इंडियन प्लानिंग के लिए वो हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, ठीक। अच्छा, इनकी स्पेलिंग क्या होगी पीसी महालानोबिस की, तो पी सी पिनाकी चंद महालानोबिस, पिनाकी चंद महालानोबिस, ये इनकी स्पेलिंग हो जाएगी, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये होगा यहाँ पे आपके लिए सारे के सारे फादर जो आपसे पूछे जाते हैं, महालानोबिस हो गए। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कुछ किताबें, बुक्स बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट, बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट, यानी कि जो महान आपके अर्थशास्त्री हुए उनके द्वारा यहाँ पे कौन कौन सी किताबें जो है आपकी दोस्तों, ये आपकी जो है दी गई, ठीक है? तो अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे, तो पहली किताब का नाम नोट कीजिएगा, वेल्थ ऑफ साइंस, क्या हो जाएगी आपके लिए यहाँ पे, आपकी पहली किताब का नाम हो जाएगा वेल्थ ऑफ साइंस। वेल्थ ऑफ साइंस का मतलब धन का विज्ञान, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे आपके लिए, धन का विज्ञान। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पे धन का विज्ञान, तो समझिएगा ये जो धन का विज्ञान होगा आपके लिए, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो वेल्थ, सॉरी धन का विज्ञान होता है मतलब कि जो आपने पैसा कमाया उसमें भी कुछ साइंस लगी, राइट? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साइंस है ना, इसी तरह से पैसा कमाना भी एक साइंस है, राइट? तो जरा सोच के देखो कि आखिरकार कौन सी चीज है जो कि एक वाकई में साइंस मानी जा सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे एक बैंक, बैंक सोचो इसकी खोज हुई होगी, राइट? इसी तरह से पैसा कमाने के लिए और किस किस चीज की खोज हुई होगी, अगर आप ये सोच पाए तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें वेल्थ ऑफ साइंस के बारे में, तो नोट कीजिएगा इस किताब को, यहाँ पे जिस राइटर के द्वारा लिखा गया था उनका नाम हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है? तो वेल्थ ऑफ साइंस नामक जो किताब लिखी गई है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। इसी तरह से एक और किताब होगी जो आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक ये वाली किताब है, एक और किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक किताब है आपकी, ये दर्जनों बार आपके से सवाल पूछा गया यहाँ से कि आखिरकार ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है आखिरकार, ठीक है? तो नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इसके आपके लिए लेखक कौन हो जाएंगे, तो नाम इनका हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए दादा भाई नेहरू जी, पारसी थे दादा भाई नेहरू जी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो एक किताब आपके लिए और लिखी गई थी,
प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, किताब का नाम क्या था, प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडिया नामक किताब है आपकी, ये यहाँ पर लिखी गई थी आपकी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा यहाँ पे इसको लिखा गया। तो ये होगा यहाँ पे आपके कुछ नाम। वेल्थ ऑफ साइंस किसके द्वारा लिखी गई है आपकी, एडम स्मिथ के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपके यहाँ पे, तो जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पे किसका, दादाभाई नेहरू जी का। और लास्ट हो गया आपके एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे आपके लिए कुछ नाम, जिसको जो है आप लोग यहाँ पे जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, वेल्थ ऑफ साइंस क्या होता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया क्या है आपके लिए, प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, या फिर कई सारे आपके लिए फादर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, इंडियन प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से आपके सवाल पूछे गए। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे वेल्थ ऑफ साइंस कहा गया, तो यहाँ पे आपके लिए सॉरी वेल्थ ऑफ एक और वेल्थ ऑफ साइंस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके लिए वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ पे आपके राष्ट्रों की वेल्थ उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके लिए आखिरकार एडम स्मिथ को हम लोगों ने सोचो उन्हें जनक कहा है आपकी अर्थशास्त्र का, तो क्यों कहा है सोचो, उस जमाने में उन्होंने नंबर वन एक तो राष्ट्रों की संपत्ति के बारे में लिखा, अपनी संपत्ति नहीं, उन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति बता दी कि वेल्थ ऑफ नेशन होती है, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में एक चीज की चर्चा की थी जिसको यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो लोगों की संपत्ति है वो साइंस ऑफ वेल्थ, वो यहाँ पे आपके विज्ञान है दोस्तों किसका, पूंजी का। तो पूंजी विज्ञान कहा था उन्होंने इकोनॉमिक्स को, इसीलिए उनको यहाँ पर आपका हम लोग जो है साइंस ऑफ यानी कि आपका जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर आखिरकार कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों जो आपकी साइंस ऑफ वेल्थ के अंतर्गत आती है, ठीक समझिएगा, यहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी साइंस ऑफ वेल्थ के अंतर्गत आती है। कई सारी चीजें होती हैं, राइट। साइंस ऑफ वेल्थ में अगर आप देखेंगे आपके लिए, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, क्यों आखिरकार एक इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने विज्ञान कहा, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई खोज हुई होगी, राइट। तो खोज में अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे आपके लिए उदाहरण हो गया बैंक, क्या सोच सकते हैं इसके अलावा और किस चीज की यहाँ पे खोज हुई होगी, क्या और भी कोई चीज खोजी गई है अर्थशास्त्र जिससे आपको पैसा मिलता हो या आप पैसा ट्रांसफर करते हो, कोई चीज खोज हुई है इसके अलावा, बहुत सी चीजें आप ही के इर्द गिर्द है, केवल उसको देखना है आपको कौन सी ऐसी चीज होगी जिसका यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा खोज हुई होगी, तो नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए तो बैंक हो गया, बैंक के अलावा मैं कहूँ तो चेक की भी तो खोज हुई है भाई, चेक भी तो किसी ने यहाँ पे आपका देखा होगा, बनाया होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की क्या हुई आपके लिए, खोज हुई, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें एग्जैक्टली एटीएम क्या हो जाएगा आपकी, एटीएम, तो इसके एटीएम हो गया। एटीएम के अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए बिटकॉइन, ये भी क्या है, पैसे की खोज है भाई, देखो तो पहले क्या ऐसा करते थे, नहीं करते तो अब कर रहे, मतलब खोज हुई है उसकी। और इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो स्टॉक मार्केट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं आपके लिए जो आप भले ही पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये सब खोज है, ये सब साइंस है, किसी ने सोचा, किसी ने उसकी प्लानिंग की, तब उसको यहाँ पे लेके आता, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें सबसे पहले बैंक के बारे में, तो बैंक जो है दोस्तों ये स्टार्टिंग में आपके लिए एक मर्चेंट बैंक होता था, मतलब सिर्फ व्यापारियों को पैसा देता था और किसी को नहीं देता था। फिर इसमें बदलाव, अब ये आम लोगों के लिए भी आपका शुरू होने लगा, तो इसको कहा गया पब्लिक बैंक, क्या कहने लगा हम लोग, पब्लिक बैंक। तो मर्चेंट बैंक से बन गया वो आपका सरकारी बैंक, यानी कि पब्लिक बैंक, जो जनता के लिए काम। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए एक और बैंक आ गया जिसको हम लोगों ने कहा आपके लिए प्राइवेट। देखो, मर्चेंट बैंक, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक, ये तीन प्रकार थे आपके लिए जो कि बैंकिंग की आपके इतिहास में जाने जाते, राइट। इसी तरह से अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए चेक, यहाँ पे एक होता है आपके लिए डिमांड ड्राफ्ट और एक होता है चेक, ये दोनों ही शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। पहले आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता, समझिए, डिमांड ड्राफ्ट और चेक में एक अंतर है विशेष, क्या कहता कि अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट है तो दोस्तों ये आपका बैंक ही जारी करके देगी,
बैंक ही सब कुछ लिख के देगी कि इतने रुपए का है, ये है वो है, ठिकाना फलाना। लेकिन चेक, चेक तो दोस्तों यहाँ पे आपका इंडिविजुअल यानी कि आपका व्यक्ति के द्वारा ही जारी किया जाएगा, तो ये अंतर है। राइट, तो एक चेक और एक आपका डिमांड ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है, फिर से दोहराते हैं आपके लिए कि यहाँ पे जो आपके लिए डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको बैंक अपनी तरफ से जारी करती है और पूरी सुरक्षा भी बैंक की होती है। लेकिन अगर चेक की चेकबुक देखियो कि अगर कोई चेक पे साइन कर दे तो समझाइए जिम्मेदारी उस व्यक्ति की, अगर चेक बाउंस हुआ तो फिर वो आदमी ही भरेगा उसको। ठीक, तो ये हो गया व्यक्ति और ये हो गया आपके लिए डिमांड ड्राफ्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, ये नाम जो है आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इस नामों में दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपने कई सारे टर्म पढ़े, ठीक है, उन टर्म्स के बारे में पहले आपसे चर्चा हो। जैसे अगर बात करें आपसे तो आप लोगों ने यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे तो आपके लिए कई सारे टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे यूपीआई ले लो, ठीक है, यूपीआई, तो यूपीआई क्या होता है आपके लिए, राइट, यूपीआई क्या होता है वो कीजिएगा। यूपीआई का मतलब होता है आपके लिए यूनिफाइड पे, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था तो उसका फुल फॉर्म लिखिएगा यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब क्या है आपके लिए कि यहाँ पर कई सारे जो बैंक हैं, कई सारे जो कस्टमर हैं, कई सारे जो आपके कार्ड हैं, वो अगर एक ही जगह से अपना ट्रांजेक्शन किसी को भी कर सकते, कोई भी अगर किसी को भी ट्रांसफर कर सके, बात को समझना, कोई भी मतलब का आपका कि आपका चाहे आपके लिए आपका SBI में अकाउंट हो, चाहे आपका सिंडिकेट में अकाउंट हो, चाहे कहीं पे भी अकाउंट, अगर वो आपका किसी को भी अगर दे सकता है तो उसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कहते हैं। कई सारे बैंकों को एक साथ जोड़ जो पेमेंट, उदाहरण सबने पेटीएम का नाम सुना होगा, राइट, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे पेटीएम का नाम सुना होगा दोस्तों तो यही होता है आपके लिए यूपीआई। वो यूपीआई आपको आपसे ये नहीं पूछता कि आपका इसी में हो तभी हम तुम्हारा पेमेंट करेंगे, वो कहता है किसी में भी बैंक में अकाउंट हो हम तुम्हारा पेमेंट कर देंगे, राइट, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज है यहाँ पे आपके लिए तो यूपीआई हो गया। यूपीआई के अलावा एक शब्द और होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं IFSC कोड, नाम सुना होगा IFSC कोड, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ आपसे IFSC कोड क्या है, तो प्यारे साथियों एक IFSC कोड का मतलब होता है कि किस, भाई जैसे पहले याद करो आप लिए जो चिट्ठी लिखते थे तो उसमें नीचे एड्रेस लिखते थे कि वो आपका किस एड्रेस पर भेजोगे, तो ये दोस्तों उस चिट्ठी का नहीं उस पैसे का एड्रेस होता है, ठीक है। और ये किस में होता है आपका, सिर्फ नंबर होते हैं कि या फिर लेटर भी होते हैं, तो ये नोट कर लेना ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। कैसा होता है आपके, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म तो आपके NDM पूछा ही जाता है, तो नोट कर लो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है यानी IFSC कोड है, ये आपका एक्चुअली में एड्रेस बताता है कि दोस्तों ये ऑनलाइन पेमेंट आपका कहाँ पर होना, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर IFSC कोड। टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर यहाँ पे कोई डाउट कोई समस्या हो तो पूछिए ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा चेक या फिर बैंक, कोई भी आपका डाउट हो 10 सेकेंड दीजिए आराम से पूछिए और यहाँ पे फिर आप लोग आपका आगे। चलिए आगे बात, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जैसे UPI हो गया, IFSC कोड हो गया, ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ और भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और फुल फॉर्म में आप हो जाएगा NEFT। NEFT क्या होता है आपके लिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है आपके लिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर कैसे आखिरकार अपने पैसे को अपने अकाउंट से ऑनलाइन, तो कोई यहाँ पे किसी ने आपको आपका पैसा लेके नहीं जा रहा है, ऑनलाइन किसी और बैंक में किसी और व्यक्ति को आपने दे दिया, तो ये होता है NEFT। अब इस NEFT की एक खासियत क्या कि यहाँ पे ये फ्री है, चाहे जितना ट्रांजैक्शन कर लो ये फ्री है, चार्ज नहीं लगता है,
तो ये हो गया। अच्छा एक और नोट कर लो, भीम, भीम से तुमको पूछा था, भीम भीम क्या है, अभी अभी रिलीज हुआ है आपका साल 2016-17 में। तो ये होता है आपके लिए यहाँ पे भारत, नोट कर लीजिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पूरे इंडिया को जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है वो केवल भीम के सहायता से भी कर, ये इसका मतलब। तो NEFT हो गया, भीम हो गया, UPI हो गया, इसके अलावा IFSC कोड हो गया, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आई, ठीक है। अब बात करते हैं ATM के बारे में। ATM का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या है ATM का, मोस्ट रिपीटेड सवाल, वो फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा, राइट। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके लिए। ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जान, मतलब वो जगह जहां से जाकर के आप पैसा निकाल सकते। लेकिन आप आज के जो आपके नए जमाने के आपके यहाँ पे ATM होते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि अब वो यहाँ पे आपका केवल पैसा नहीं निकालते, ATM में जाकर के आप अपनी चेकबुक को चढ़वा सकते हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो है जो आपकी जो है चेकबुक को भरवाने के अलावा पैसा भी जमा कर सकते। तो अब तो अपने आप में पूरा बैंक हो गया है, राइट। इसलिए तो कहा गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां मशीनें आपकी बैंक का काम करें, समझिएगा, जहां मशीनें आपके लिए बैंक का काम करें वो है ATM, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हो जाएगा बिटकॉइन, क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बिटकॉइन, बिटकॉइन। बिटकॉइन की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये है क्या, इसको समझना जरा बिटकॉइन। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बिटकॉइन क्या है, तो जरा दो ऑप्शन पूछ लीजिएगा, क्या ये ऑप्शन नंबर वन एक बिस्कुट है, या ऑप्शन नंबर टू ये कुछ ऑनलाइन करेंसी जैसा कुछ। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर वन या टू, बिटकॉइन क्या है यहाँ पे आपके लिए, बिटकॉइन जो है आपका ये बाइट करने वाला एक बिस्कुट है, या फिर जो है ये आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन करेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा ऑफकोर्स वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ऑनलाइन करेंसी। तो ये एक ऑनलाइन करेंसी है, तो फिर ऑफलाइन का मतलब क्या है, ऑफलाइन का मतलब होता है प्यारे साथियों जो कैश आप अपने हाथ में रखते हो, तो का नोट जो रखते हो, कैश और नोट को ऑफलाइन करेंसी है, वो आपके हाथ में। लेकिन ऑनलाइन करेंसी जो है दोस्तों, जैसे अगर बात करें आपकी करेंसी में, जैसे रुपया हो गया, ठीक है, इसके अलावा डॉलर हो गया, ये करेंसी है, समझिए ये करेंसी। तो ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एक प्रोग्राम के माध्यम से, समझिएगा इसको, जब हम लोग ऑनलाइन एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर उस करेंसी का निर्माण कर दें, ठीक, एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो नोट की तरह ही एक्सचेंज हो सकता है, तो उसको ऑनलाइन करेंसी कहा गया, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना पैसा जो है कैसा रखना पसंद करोगे, असुरक्षित या सुरक्षित, यह बताओ। अगर मैं कहूं आपसे तो आप अपना पैसा कैसा सुरक्षित रखना चाहेंगे, सेफ रखना चाहेंगे या फिर अनसेफ रखना चाहेंगे, राइट। तो मेरे का शायद ही कोई यहाँ पे आप में से ऐसा होगा जो ये कहेगा कि सर मैं अपना पैसा जो है वो अनसेफ रखना चाहूंगा, राइट। उनका हमेशा आपके लिए जवाब क्या होगा कि सर अगर मेरा पैसा है तो उसे सेफ रखना है, उसे सुरक्षित रखना, और अगर पैसा है तो हमें चाहिए एक ताला, क्या चाहिए आपके लिए, ताला चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन आपकी भाषा होती है, ताले को हम लोग पासवर्ड कहते हैं, सर भाई ताले को क्या कहा जाता है, पासवर्ड, पासवर्ड डाल दो माने चाबी, ताला चाबी क्या हो गया आपके लिए, पासवर्ड डाल दो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों कोई भी प्रोग्राम जिसमें आपके लिए पासवर्ड भी पड़ा हो, उसी को यहाँ पे हम लोग आपका क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी, क्या है यहाँ पे आपके लिए, ये है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी, ये सेफ है ये अनसेफ है, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए, ये सेफ है ये अनसेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो आपके लिए हो गया ऑनलाइन करेंसी, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए, ऑनलाइन करेंसी हो गया, समझिएगा, ठीक। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये क्या हो गया आपके लिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हो गया आपके लिए NEFT और ये हो गया बिटकॉइन, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो ये तो तीन चीजें हो गई, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे तो यहाँ पे आपके लिए ये बात हो गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, स्टॉक मार्केट,
अगर मैं कहूं आपसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट, राइट, तो आखिरकार आपके लिए एक स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होगा? क्या मतलब समझते हैं आप लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट से? समझिएगा, तो आपके लिए जो स्टॉक मार्केट है उसका मतलब यह है कि सर यहाँ पे कुछ शब्द हम लोग सुन रखे हैं, जैसे सेंसेक्स, जैसे बीएसई और जैसे शेयर, राइट, ये शब्द सर हम लोगों ने सुन रखे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जहां पे अगर किसी भी कंपनी में अगर ओनरशिप खरीदना हो, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास शेयर है किसी भी कंपनी के, तो शेयर के खरीदने बेचने को हम लोग यहाँ पे कहां पे करते हैं, उस जगह पे को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट कहते हैं, राइट, समझिएगा। तो यहां पर अब मुझे दिखाना है कि शेयर का स्कोर कार्ड कितना है, यानी कौन सा शेयर जो है कितने में बिक रहा है। तो ये जो शेयर का स्कोर कार्ड होता है, समझिएगा, ये जो शेयर का आपके लिए स्कोर कार्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका? उसको सेंसेक्स कहते हैं। ये एक प्रकार का इंडेक्स है जो सिर्फ ये बता रहा है कि आज का भाव क्या है, इसको आप सेंसेक्स कहते हैं। और इस सेंसेक्स को जो यहाँ पे आपका मैनेज करता है उसको बीएसई के नाम से जाना जाता है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए बीएसई, और ये हो गया आपके लिए सेंसेक्स, और ये हो गया शेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहां पे आपसे, तो यहां पे आपके लिए जो है एक शेयर हो गया, एक बीएसई हो गया, एक आपके लिए यहाँ पे इंडेक्स हो गया, ठीक है, समझिएगा। तो ये हो गया स्टॉक, स्टॉक आपके लिए कार्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ तो स्टॉक मार्केट में और भी चीजें होती हैं, समझिएगा। यहाँ पे आपके लिए जो है स्टॉक मार्केट में एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं आपका डेब्ट बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड मार्केट कहते हैं। इसी तरह से अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो एक और चीज होगी जिसको फॉरवर्ड कहा जाता है। होते कुछ नहीं है, केवल अगर आपने किसी ये कह दिया कि भैया ये पैसा जो है हमें एक साल के लिए दे दो, तो वो फॉरवर्ड बन गया, बस इतना मतलब, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर होता है। क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? फ्यूचर होता है, ठीक। तो ये है आपके लिए स्टॉक मार्केट। टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर अभी तक पढ़ाए हुए किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ो। एडम स्मिथ हो गए, हम लोगों ने सारी बातें कर ली इनके बारे में, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में बात कर ली, स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर ली, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आइए अब हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी को यहाँ पे हम लोग आपका अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, राइट। इकोनॉमी हो गई यानी कि अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है आपके लिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जितने भी अब आपके यहाँ पे नए बच्चे जुड़े हैं, पहले तो यहाँ पे जो आपके लिए चैट बॉक्स है, ठीक है, इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना जरूर सीख लें, ठीक है, ताकि हम लोग के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपका लगातार बना रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सवाल पूछा, ठीक है, तो एटलीस्ट आप वहां पे उसको रिप्लाई कर सकते, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं वो पहले यहाँ पे अपना चैट बॉक्स को खोजेंगे और फिर वहां पे आपका एक एक कमेंट यहाँ पे करके मुझे एक बार शो कर, ठीक है, ताकि मुझे ये कन्फर्म हो जाऊंगा कि हाँ आपको यहाँ पे चैट बॉक्स का जो यूज है वो आ चुका है, मतलब फिर आप लोगों से अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दे सकते, राइट। तो इसको एक बार जरा प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कि अगर यहाँ पे आपको कोई भी जो जिसमें ना रिप्लाई ना किया हो उनके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए इकोनॉमी, इकोनॉमी का अंतर्गत यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपकी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो एक होती है आपके लिए यहाँ पे लार्ज इकोनॉमी, ठीक है, लार्ज इकोनॉमी यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। एक क्या होती है आपकी? डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, और एक होती है यहाँ पे आपके लिए डेवलपिंग इकोनॉमी। एक क्या होती है आपके लिए? डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के उदाहरण क्या है, ठीक है, विकसित और विकासशील यहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या है,
ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे डेवलप, डेवलप्ड में आपके लिए चाइना आ जाएगा यानी कि चीन, इसके अलावा यूएस यानी अमेरिका आ जाएगा और यूके आ जाएगा। ये जितने भी देख रहे हैं सब डेवलप्ड है, डेवलप्ड का मतलब इनके पास हर एक चीज की व्यवस्था है, समझिएगा। तो जिसके पास हर चीज की व्यवस्था होती है तो उसको तो हम लोग यहाँ पे आपका डेवलप कह ही सकते हैं, राइट। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे आपका डेवलप कह सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो यहाँ पर बाकी का अगर आप देखें तो बाकी के अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब हो गया कि ये बेचारा अभी भी भारत है, जैसे हमारे पास चीजें तो हैं लेकिन उतनी व्यवस्थित नहीं है, ठीक। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है कोई सड़क बनाई तो वो टूट जाएगी, समझ रहे। इसके अलावा कोई नाली बनाई तो भर जाएगी सब बरसात, ये परेशान। तो इसीलिए ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है स्ट्रगल करती है। जैसे उदाहरण क्या हो गया आपने सबसे बड़ा भारत, भारत के अलावा नेपाल हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी नाम सुन रहे ये सब डेवलपिंग में क्यों आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अभी तक व्यवस्था को मजबूत नहीं किया, स्ट्रांग नहीं किया, राइट। तो ये है आपके लिए पहले दो शब्द आपके लिए, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और टर्म आता है, जरा उसको सुनिएगा। हाँ अच्छा देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, ठीक है, यहीं पे आपको बता देते हैं। आपके लिए दो टर्म आते हैं, एक आता है ओपन इकोनॉमी और एक आता है आपके लिए यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी। एक आता है क्लोज ओपन इकोनॉमी, एक होता है आपके लिए क्लोज इकोनॉमी। एक को कहते हैं हम लोग आपका मुक्त अर्थव्यवस्था, एक को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपका मुक्त अर्थव्यवस्था, और दूसरे को कहते हैं आपका बंद अर्थव्यवस्था। दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपका बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो एक ओपन और एक होता है दूसरा क्या, दूसरा होता है क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये ठीक दोस्तों आपके एक दरवाजे की तरह होते हैं, कैसे होते हैं आपके लिए एक दरवाजे की तरह होते हैं। ये दरवाजा है, दरवाजे में अगर देखो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए ये गेट लगा हुआ है, ये गेट क्या है आपके लिए, ये क्लोज है, ये गेट कैसा है क्लोज, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये दरवाजा जो है आपके लिए बंद है, समझिएगा, तो मुझे बताना क्या कोई इस दरवाजे से अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है या नहीं। अगर कोई दरवाजा आपका घर का बंद हो जाए, ठीक है, अचानक से कैसे भी बंद हो जाए, तो क्या कोई भी व्यक्ति आपका अंदर आ सकता है या कोई भी व्यक्ति आपका बाहर जा सकता है, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपके घर का दरवाजा बंद होगा तो ना कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा, ठीक। लेकिन एक देश में आने जाने को एक शब्द कहा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, उसको हम लोग कहते हैं आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछा जाए क्या क्लोज इकोनॉमी में आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है या नहीं, समझिएगा, तो यहां पे आपके लिए क्या जवाब होगा कि एक बंद अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी आना जाना ये होता है या नहीं, आपके लिए जवाब क्या होगा, यस होगा कि नो होगा, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ना तो एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है। क्यों आखिरकार, क्योंकि फिर याद कर लेना कि सर ने बताया था कि आपके जो दरवाजा है वो क्या है, बंद है, क्लोज्ड है। इसी तरह से होता है आपके लिए ओपन इकोनॉमी, समझिएगा, एक आपके लिए क्या होता है यहाँ पे ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और यहाँ पे दोस्तों खुले दरवाजे में कोई ज्यादा अंतर नहीं, खुले दरवाजे, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अगर ये दरवाजा खुला होगा, ठीक है, तो यहां पे आपका एक्सपोर्ट भी होगा नंबर वन और इसके अलावा इंपोर्ट भी होगा नंबर टू, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपका पूरा टॉपिक बंद अर्थव्यवस्था, एक बार लाइए आपका लगा कोई रिवीजन करा के फिर क्वेश्चंस भी दिखा देते थोड़े से, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज हम लोगों ने एक वॉरियर की तरह जब क्लास को शुरू किया था, ठीक, तलवार निकाल करके, तो हम लोगों ने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में जाना कि कौन से सब्जेक्ट में आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज आज हम लोगों ने डिस्कस की कि यहाँ पे आपके लिए जो तैयारी है वो कितने लेवल्स पे होती है, दो लेवल पे होती है, एक दिमाग के लेवल पे, एक आपका यहाँ पे आपके जो है प्लानिंग के लेवल, ठीक, कैसे यहाँ पे आपका शेड्यूल बनाना है, कैसे उसको तैयार करना। तीसरा था एप्लीकेशन से जुड़ी हुई कुछ हम लोगों ने बात की। चौथा था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो शुरुआत में ही हम लोगों ने समझ लिया कि भैया जो अगर व्यक्ति आना कानी करे 90 दिन तक तो समझना वो पैसा आना नहीं है, वो क्या बन जाएगा आपके लिए, वो बन जाएगा आपके यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी तरह से दोस्तों हम लोगों ने दो शब्द और पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़ा और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी भी पढ़ा।
तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वो शब्द जो कि यहाँ पे आपके लिए बुकेश किताबों में दिया हुआ, लेकिन इकोनॉमी का मतलब है कि नहीं भैया ये वास्तविकता में हो सकता है, इसका एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ, राइट। तो अगर बात करें सबसे पहले हम लोगों ने देखा आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में यानी एडम स्मिथ के बारे में, दूसरे हो जाएंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपके जॉन कीस। इसी तरह से अगर मान लो एग्जामिनर ने सवाल बदल दिया, उसने कहा कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कहेंगे जॉन कीस। तीसरे हो जाएंगे फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट हो जाएंगे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव। आपके लास्ट में जाएंगे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महलानोबिस। और दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे आपकी कुछ किताबें होंगी, बुक्स बाय फेमस राइटर्स, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नरोजी, और प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया एम विश्वेश्वरैया। फिर हम लोगों ने जाना कि एडम स्मिथ ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे साइंस होती है वेल्थ की इकोनॉमिक्स। फिर हम लोगों ने एनईएफटी और भीम का फुल फॉर्म देखा, साथ ही साथ बिटकॉइन के बारे में भी आपका डिस्कशन किया, और लास्ट में देखा हम लोगों ने स्टॉक मार्केट और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। चलिए तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरा सेशन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आपके पास अभी पूरा एक मिनट है कि यहाँ तक आपको कितना समझ में आया आज, कितना आज आप लोगों ने यहाँ पे नोट्स बनाए, राइट। पहले तो ये दो चीजें बताइए, कितना समझ में आया और कितने आप लोगों ने यहाँ पे नोट्स बनाए। सर पूरा समझ में आया, अच्छा नोट्स बनाए, चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फुल टू फुल है ना, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि अब आज को आप लोगों का फर्स्ट डे था, ठीक है, अगली बार से आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाया करें, ठीक है, कोई ना कोई एक स्टोरी रहा करेगी आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। पढ़ाई तो एक अपनी जगह होती है, पर्सनैलिटी एक अपनी जगह होती है, राइट। तो आज इन्हीं दोनों चीजों पे हमारा लगातार फोकस रहेगा आपका हर एक क्लास में। फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे, आज का ये सेशन आपके यहीं पे ओवर एंड आउट होता है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।